नमस्कार मेरे कृषि के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर एस चौधरी एग्री सक्सेस पॉइंट एएसपी जयपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब शुरू होने जा रहा है एग्री महादंगल एग्जाम रिव्यू नंबर 7। तो जल्दी से एक बार लिंक को लाइक शेयर कर दो और जल्दी से आप लाइव आ जाइए, टाइम हो गया है और अब धमाकेदार जो महासंग्राम है वो शुरू होने वाला है एग्जाम रिव्यू नंबर 7। तो मेरे साथ कौन कौन साथी जुड़ गए एक बार उनसे मैं रूबरू हो लेता हूं और जल्दी से एक बार लिंक को लाइक शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाए। चलेगा भाई दोस्तों, बिल्कुल संदीप गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थानी मजाक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुरुजी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपेंद्र जुड़ चुके हैं, विपेंद्र नमस्ते सर जी, बहुत बढ़िया। संदीप गुप्ता सर बहुत बढ़िया। और कौन कौन साथी एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बता दें आप। और आज हम ज़्यादा रूबरू ना होकर के सीधा एग्जाम रिव्यू पर आएंगे। चलेगा भाई मुकेश बेनीवाल, राम राम भाई। सोनू कुमार जुड़ चुके हैं, सोनू हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्री सक्सेस पॉइंट एएसपी कोचिंग जयपुर में। चलेगा भाई मुकेश बेनीवाल जुड़ चुके हैं, विपेंद्र जुड़ चुके हैं, मुकेश कुमार मीणा जुड़ चुके हैं, राम राम भाई। प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। संदीप कुमार, रमेश नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। संगीता बेरा मेरे साथ जुड़ चुकी है, नमस्ते सर जी, संगीता नमस्ते। चलेगा भाई और कौन कौन है सर? रोहित नेम है, प्लीज़ मेरा नाम लीजिए, बिल्कुल रोहित चौधरी आपका स्वागत है। तो रोहित के नाम से बेटा बनाओ अपना। निशांत कुमावत जुड़ चुके हैं, हेलो निशांत। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पंकज शर्मा जुड़ चुके हैं, हेलो आप सबका स्वागत है निशांत कुमावत। संदीप, चलेगा दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का महादंगल। अब इसमें बच्चे जुड़ते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने पास टाइम बहुत कम है और एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए जितना मैक्सिमम अपन प्रैक्टिस कर सके उतना अपन करेंगे। चलेगा दोस्तों आज के एग्री महासंग्राम का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। खड़ी फसल के कटने से पूर्व खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोना क्या कहलाता है? मिश्रित क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग? जल्दी से बता दें ऑप्शंस आपके, बिल्कुल जल्दी से आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, पहला नंबर का सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर करें आप। लिंक को लाइक शेयर भी कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाए। चलेगा भाई, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोना क्या कहलाता है? आंसर देना शुरू करें जल्दी से, मिश्रित क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग, जल्दी से आंसर करें। उमा व्यास जुड़ चुकी है, बहुत बड़े। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सौरभ मीणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राम प्रताप जुड़ चुके हैं, संतोष जार जुड़ चुकी है। बी आंसर आ रहा है भाई, बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल, की रिले क्रॉपिंग बता रहे हैं इसका आंसर। खड़ी फसल के कटने से उसी खेत में दूसरी फसल बोना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर है, सुपर शानदार। आगे चलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 आ चुका है आपके सामने। पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? चलेगा, पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, फल उत्पादन से? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है आज के महासंग्राम का एग्जाम रिव्यू, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर चल रहा है दोस्तों, और ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जिस दिन आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। काजल जाधव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, काजल स्वागत है आपका। मुन्ना कुमावत जुड़ चुके हैं, सौरभ मीणा, विकास वर्मा जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है आपका कि पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से आंसर करें भाई, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि तिलहन उत्पादन से है, दलहन उत्पादन से है, अनाज उत्पादन से है या फल उत्पादन से है? जल्दी बताएं। सुमन मीणा ये आंसर कर दिया, सुमन खट्टीक ने भी ये आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। विपेंद्र ये आंसर, ऑडियंस पोल एक ही तरफ जा रहा, बिल्कुल धमाकेदार एंट्री करते हुए, सुपर भाई, बिल्कुल ये आंसर इसका सही है, क्योंकि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। चलेगा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, अगला सवाल है, एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है? देखिए अभी तक आपने सब्जेक्ट पढ़े कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, लेकिन यहां पर पूछा गया आपसे एग्रीकल्चर निम्न में से किस शब्द से लिया गया है? लैटिन से, अंग्रेजी से, ग्रीक से या निम्न से कोई नहीं? जल्दी बताएं, बहुत बढ़िया, आंसर आपके सामने ऑप्शन में है, जल्दी से आप आंसर दीजिए भाई। और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी आप लोग ना करें। और कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिली गई कि आपके पदों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, तो इससे बड़ी खुशखबरी इस कोरोना काल में कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये जो फायदा है, यानी कि 150 एक्स्ट्रा लोगों के घर में और दिए जलेंगे, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं धमाके के साथ और
एग्री सक्सेस पॉइंट तो आपके साथ लगा हुआ है, बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ रहा है लैटिन, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ऑडियंस पोल अभी तक बिल्कुल सटीक चल रहा है और परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। चौथा सवाल आ चुका है, हरित क्रांति शब्द दिया, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया, बीपी पॉल ने दिया, डॉक्टर विलियम गौड़ ने दिया, एम एस स्वामीनाथन ने दिया या रफी अहमद किदवई ने दिया। सवाल बड़ा प्यारा है, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं। आपको बताना है हरित क्रांति ग्रीन जो रिवोल्यूशन है ये शब्द किसने दिया, और लिंक को लाइक शेयर जरूर कर दे मेरे शेयरों। ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, शैलेंद्र मेला ऐप में कुछ नहीं करना, आपको ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जो बैच है बैच में जाकर के बैच कोड मैंने आपको उसमें बताया है, आपके जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बैच कोड बताया, उस बैच कोड को डाल दें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, चलेगा। रेखा गुजर सी आंसर दे दिए, चौथे का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत मीणा जुड़ चुके हैं, सी आंसर दे रहे हैं। शिषपाल जांदू सी आंसर दे रहे हैं। उमा ब्यास, मोहित कुमार, विकास, संगीता, किरण, मुन्ना, जय महाकाल, एस के चौधरी, बहुत बढ़िया, सुपर भाई। सी आंसर हरित क्रांति शब्द किसने दिया, डॉक्टर विलियम गौड़ ने दिया। अगला सवाल, धान्य फसलों की रानी किसको कहते हैं भैया, धान्य फसलों की रानी, जैसे फलों का राजा ऐसे ही धान्य फसलों की रानी कौन है, चावल, मक्का, ज्वार या जौ। क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने, पांच का आंसर जल्दी से बता दे भाई। धान्य फसलों की रानी, धान्य फसलों की रानी बता भाई कौन है, बहुत बढ़िया, धान्य फसलों की रानी सी आंसर। क्वेश्चन नंबर लगे पांचवे का बी ऑप्शन आ गया, बी आंसर बता रहे भैया, मक्का को बता रहे, धान्य फसलों की रानी मक्का को बताया जा रहा है, जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आ गया। ऑडियंस पोल आगे बढ़ते, तो अभी तक का 100% ऑडियंस पोल है, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती, और बहुत सटीक आंसर आपका है, बिल्कुल बी आंसर इसमें भैया, मक्का, धान्य फसलों की रानी। अगला सवाल, बैरोमीटर में पारा शीघ्र गिरे, बैरोमीटर में पारा शीघ्र गिरे तो किस प्रकार के मौसम की संभावना हो जाती है भाई, मौसम यानी कि जो मौसम नापने का जो यंत्र है बैरोमीटर, उसमें भी पारा गिर रहा है शीघ्र गति से तो किसकी संभावना बनती है, तूफान आने की बनती है, मौसम शुष्क रहने की बनती है, सर्दी बढ़ने की रहती है, इनमें से कोई नहीं पता, ये क्या परिवर्तन आएगा यदि बैरोमीटर में पारा शीघ्र गति से गिर रहा है, तो जल्दी से आंसर कर दें बताइए मेरे शेरों। क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करनी है, चलो भाई। अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, सिक्स में ए आंसर आ रहा है, तूफान आने की संभावना है, बिल्कुल बैरोमीटर गिरेगा तो तूफान आने की संभावना आप जैसा बता रहे, और ये तूफान 18 तारीख को भी आएगा जब आप और हम इस मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा, चलेगा दोस्तों, बिल्कुल ए आंसर आ रहा है, तूफान आएगा, बहुत बढ़िया सटीक आंसर है भैया, तूफान, इस तूफान से पहले की खामोशी है, 18 तारीख को जो तूफान आने वाला है, तो ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। बराह मिहिर के अनुसार जब सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर गोल प्रकाश मंडल के रंग जैसा हो तो कैसा मौसम हो सकता है भैया, आज तो मौसम बताइए आप, शुष्क रहेगा, शीघ्र वर्षा होगी, ओले गिर सकते हैं, आंधी आएगी, बताइए। मैंने मेंशन किया यहां पर्टिकुलर एक पर्सन मेंशन किया बराह मिहिर, उसके अनुसार ही आपको बताना है, कॉमन आपको नहीं देखना है। तो आपको बताना है कि जब बराह मिहिर के अनुसार जब सूर्य अथवा चंद्रमा के चारों ओर गोल प्रकाश मंडल के रंग मंडल का रंग जैसा हो तो कैसा मौसम हो सकता है, बताइए। लिंक को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, और जो मेरे साथी आज नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली 5 बजे अग्री महासंग्राम चलता है जिसमें आपको मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि इस महासंग्राम के बाद 18 तारीख को जो तूफान आएगा उस तूफान को हमें जरूर चीरना है और अपनी मंजिल को तय करना है मेरे शेरों। चलो आप आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया, क्या होगा जब सूर्य चंद्रमा के चारों ओर गोल प्रकाश मंडल का रंग जैसा हो जाए, चलेगा। सात का सी आंसर आ रहा है भाई, यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि शीघ्र वर्षा होगी, क्या होगा, शीघ्र वर्षा होगी, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल जब ऐसा होगा तो क्या होगा, शीघ्र वर्षा होने की संभावना बनती है। अगला सवाल आ चुका है, टू ए हंगर फ्री वर्ड क्या है, टू ए हंगर फ्री वर्ड
पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक का नाम है, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। डॉक्टर बीबी पॉल है, डॉक्टर कीर्ति सिंह है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, पंजाब डॉक्टर पंजाब सिंह है। बताइए क्या प्यारा नाम है सिरो। चलो टू ए हंगर फ्री वर्ड क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। 8 नंबर का सवाल का आंसर आपको देना है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिख दें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्री सक्सेस पॉइंट का जो नया कैंपस है वो दोस्तों गोपालपुरा मोड़ पर बना दिया गया है, और हमारी बाकी की ब्रांचेस जो हैं रिद्धि सिद्धि वाली और त्रिवेणी चौराहे वाली वो ब्रांचें बंद कर दी गई हैं। तो अब इसके अलावा अब आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, अब आपके पास एक ही एड्रेस है जो है आपका गोपालपुरा चौराया गोपालपुरिया पुलिया के पास एएसपी कैंपस, ध्यान रखें। तो अब जब भी आप आए तो वहां, उसके अलावा कहीं भी आपको एएसपी लगा देखे तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। सिस पाल जानू 8 का बी आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, 8 का बी आंसर आ रहा है। टू ए हंगर फ्री वर्ड पुस्तक के लेखक, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपके सामने, 8 का बी आ रहा है। ऑडियंस पोल बी की तरफ, कुछ बच्चे ए आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें इसका सही आंसर आएगा बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, सवाल है 21वीं सदी के टिकाऊ खेती, 21वीं सदी के टिकाऊ खेती पुस्तक जो आईसीएआर की नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, किसने लिखी। पुस्तक का नाम है 21वीं सदी की टिकाऊ खेती। अब ये राइटर के नाम आपको देखना है, डॉक्टर आर सी गौतम एन पंजाब सिंह, डॉक्टर महेंद्र पाल, के एन सिंह और के सी शर्मा, इनमें से कौन है जिसने इस पुस्तक को लिखा। चलेगा जल्दी से बताएं वेद विचार। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिरो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एग्री सक्सेस पॉइंट का जाना पहचाना नाम है जयपुर के अंदर। चलेगा सोनू कुमार 9 का ए आंसर दे रहे हैं, 9 में बिल्कुल ए आंसर आ रहा है। किरोड़ी नेवर जयपुर से ए आंसर आ रहा है। सोनू कुमार, देव मीणा ए आंसर कर रहे हैं। सस्पाल, उमा, अजय वर्मा, बहुत बढ़िया। कुशाल फौजदार ए आंसर दे रहे हैं। संदीप गुप्ता बी आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर नवा क्वेश्चन जो उसका भैया जो राइटर है, कौन सी पुस्तक का 21वीं सदी के टिकाऊ खेती, इसका राइटर है डॉक्टर आर सी गौतम एवं डॉक्टर पंजाब सिंह। चलेगा अगला सवाल, अगला सवाल है इंडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। इंडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कहाँ से छपता है भैया, नई दिल्ली से छपता है, हिसार से छपता है, कानपुर से या करनाल से, बता दीजिए जल्दी बता दें। और जो विद्यार्थी नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें आप, तभी जाकर के आपको इसका प्रॉपर फायदा मिल पाएगा। चलेगा भाई बहुत बढ़िया, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होता है भैया, बता दीजिए जल्दी से। 10 का ए आंसर आ रहा है, 10 का ए आंसर आ रहा है, नई दिल्ली बताया जा रहा है भैया। ऑडियंस पोल आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं जा रहा है, सब बच्चे एकदम सटीक और सही आंसर, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है इसका ए, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होता है, दिल्ली से। अगला सवाल, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में, जोधपुर में, बीकानेर में, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद, बीकानेर, जोधपुर, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। 11वें नंबर का सवाल आ चुका है आपके सामने, और 11वें नंबर पर आंसर ऑप्शंस क्या आ रहे हैं जल्दी बताएं, सी ऑप्शन आ रहा है, जोधपुर बताएं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। रमेश ब्रज, क्वेश्चन नंबर लिखें आप, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें भाई, 11 का, 11 का आंसर क्या रहा है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, 11 का सी चलेगा, बी ऑप्शन भी आ रहा है भैया 11 में सी। क्वेश्चन नंबर लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर के बिना गड़बड़ी होगी भैया। उमा व्यास सी आंसर दे रही है, मुन्ना 11 का बी आंसर दे रहे हैं, किरोड़ी बी आंसर दे रहे हैं, बी और सी की लड़ाई चल रही है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय, बताइए बताइए सिरो बताइए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, बीकानेर, जोधपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं,
तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे बच्चे सी दे रहे हैं, बहुत सारे बी दे रहे हैं। ये संस्थान आपका बीकानेर में स्थित है, बी आंसर इसका सही है। अगला सवाल, एक घन मीटर जल से क्या अभिप्राय होता है? एक घन मीटर जल से क्या अभिप्राय होता है? 1000 लीटर, 100 लीटर, 10000 लीटर या 10 लीटर, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आपको बताना है एक घन मीटर जल कितना होता है भैया, बता दीजिए दोस्तों। एक घन मीटर जल कितना होता है, जल्दी बताएं। 1000 लीटर होता है, क्वेश्चन नंबर लिखें आप 12 का, ए आंसर आ गया है 1000 लीटर। वेद भिंचर ने ए आंसर दे दिया है, मदन लाल, रमेश ब्रजानिया, बहुत बढ़िया, विकास वर्मा, बहुत बढ़िया, कुशाल फौजदार ए आंसर, चेतन बंदिका बानिका, सुपर भाई, बहुत बढ़िया, ये आंसर आ रहे हैं आपके, वेरी गुड। 12 का बिल्कुल, 1 लीटर जल से मतलब है आपका 1000 लीटर, सही आंसर है। आगे चले, अगला सवाल आ चुका है, एक घन मीटर जल में कितने लीटर पानी आता है? कितने लीटर एक घन मीटर में, एक घन मीटर में कितने लीटर पानी आता है? 100, 500, 250 या 1000, बताइए भैया कितना आता है? एक घन मीटर जल में कितने लीटर पानी आता है, जल्दी बताए भाई। सुमन मीना कह रही मेरा नेट खत्म हो गया, बट इतने जल्दी कैसे हो गया, इसके मतलब आप नेट पर और भी कुछ करते हो, चलेगा। बहुत बढ़िया, सुपर आंसर आ रहा है। अजय वर्मा 100, बहुत बढ़िया, ए और डी। अब बेटा तुमने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो इसका आंसर आप सही करते, दो आंसर नहीं आते, एक ही आंसर आता, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन भी आपसे यही है, सेम ही चलेगा। इसमें एक घन मीटर जल में कितने लीटर पानी है भैया? 1000, डी आंसर सही है इसका। आगे चलो, अगला सवाल कह रहा है, भाग्य लक्ष्मी किसकी किस्म है? भाग्य लक्ष्मी खाने की तम्बाकू है, हुक्का तम्बाकू है, चुरूट तम्बाकू है, सिगरेट तम्बाकू, बताओ। है तो ये तम्बाकू, ये तो तय हो गया, लेकिन कौन सी तम्बाकू है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए भाई। 13 में डी आंसर आ रहा है, 13 में डी आंसर दे दिया सोनू कुमार ने भैया, यानी कि वो कह रहे सिगरेट की तम्बाकू भाग लक्ष्मी होती है। चलिएगा भैया, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी उपमा दी है, चलेगा भाई। अजय वर्मा डी आंसर, 14 का आंसर दीजिए शेरो, ऐसे काम नहीं चलने वाला, आंसर दीजिए रफ्तार के साथ दीजिए आप। विपेंद्र नहीं पता, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ईमानदारी से काम करो आप। बाबूलाल चौहान ए आंसर दे रहे हैं, विष्णु शर्मा ए आंसर दे रहे हैं, तम्बाकू कौशल फौजदार बोल रहे हैं तम्बाकू तो है ही, चलेगा। भाग्यलक्ष्मी तो ये बेटा वो आपकी है सिगरेट तम्बाकू, चलेगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल, भवानी किसकी किस्म है भैया? भवानी किसकी किस्म है? सरसों की, अरहर की, तोरिया की या मूंग की? क्वेश्चन नंबर 14 आपके, 14 क्या 15 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है। एक मिनट बेटा, ये भाग्यलक्ष्मी जो है खाने की तम्बाकू, इसको ठीक कर लेना, ये डी ऑप्शन आंसर नहीं है इसका, ए आंसर है, क्या है? ए आंसर, ठीक है ना। अब 15 नंबर का सवाल आपके सामने, भवानी किसकी किस्म है? 15 नंबर का सवाल आ चुका है आपके सामने, बताइए भवानी किसकी किस्म है? सरसों की, 15 में वेद विंचर ने बी आंसर दे दिया ए, हेमराज अख्तर खान हमारे साथ जुड़े हैं, 15 का सी आंसर कर रहे हैं, मंजू कुड़ी ये आंसर दे रही हैं, सोनू कुमार ये आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। भवानी जो किस्म है दोस्तों, ये जो है ये सरसों की किस्म है, ये सही आंसर है ए जिन्होंने दिया है। अगला सवाल देखें, अब अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ें, एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए, एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो भैया लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें आप। 16 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है, और सवाल पूछ रहा है एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों द्वारा जितना जल बाष्पोत्सर्जन क्रिया में प्रयुक्त होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? बाष्पीकरण अनुपात कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है, ए बी दोनों कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। रूबी चौधरी गुड इवनिंग भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, जल्दी से बताएं भाई। एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों के द्वारा जितना बाष्पीकरण क्रिया में प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? जल क्या कहलाता है? बाष्पीकरण अनुपात, बाष्पोत्सर्जन अनुपात, दोनों कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। जताइए बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। वेद मीना ने बी आंसर, किरण कुमावत, संदीप कुमार सागर बी सी ऑप्शन दे रहे हैं, देव मीणा बी ऑप्शन दे रहे हैं, केशव सैनी बी आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। बी यानी कि वो कहलाता है बाष्पोत्सर्जन अनुपात, एब्सोल्युटली राइट करेक्ट आंसर है। आगे चले, एक क्यूसेक पानी कितने लीटर पानी प्रति सेकंड को दर्शाता है? कितने सेकंड? 24.8, 24.4, 48.2 या 84.2? बताइए एक क्यूसेक पानी। 17 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 17 नंबर में बताइए आप कितना लीटर प्रति सेकंड को दर्शाता है, जल्दी बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको देना है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लिखो भाई, अभी 16 के आंसर देने में लगे हैं, 16 क्वेश्चन जा चुका है, 17 नंबर का सवाल आ चुका है, जल्दी बताएं। 17 में सी आंसर आ रहा है, ये बता रहे हैं 28.4 लीटर पानी प्रति सेकंड, बहुत बढ़िया, सुपर। चलेगा, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है 28.4। चलेगा अगला सवाल, अगला सवाल है, 1 हेक्टेयर में 10 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए, देखें बड़ा प्यारा सवाल है, 1 हेक्टेयर में 10 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना पानी चाहिए? 10 लाख लीटर, 1000 लीटर, 10000 लीटर या 100 लाख यानी कि 1 करोड़ लीटर? जल्दी बताएं मेरे शेरों क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ, अख्तर कह रहे हैं नाइस क्लास, थैंक यू। 18 नंबर का सवाल आपके सामने है, आपको बताना है कि 1 हेक्टेयर में 100 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलेगा भाई, जल्दी बताइए। संजय दिदारिया क्वेश्चन नंबर लिखें आप, क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ, 18 का ए आंसर आ रहा है यानी कि 10 लाख लीटर, अजय वर्मा आंसर दिए हैं 10 लाख लीटर, देवेंद्र वेद भीचर भी ये आंसर दे रहे हैं, अजय वर्मा भी ये आंसर दे रहे हैं, उमा व्यास ये आंसर दे रही हैं, प्रियंका आहारी ये आंसर दे रही हैं, बहुत बढ़िया, रमेश चौधरी ये आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे शेरों, क्योंकि चैनल आपका अपना है, ASP आपका अपना परिवार है। चलेगा, 10 लाख लीटर एब्सोल्युटली राइट आंसर है भैया, 10 लाख ये आंसर करेक्ट है इसका। आगे चलिए, अगला सवाल है, एक आदर्श सिंचाई में किस बात का अधिक महत्व है? एक यदि आइडियल इरिगेशन अपन करते हैं तो आदर्श सिंचाई में किस बात का अधिक महत्व होता है? सिंचाई कब की जाए या सिंचाई कितनी की जाए या ए बी दोनों या किसी का नहीं? बताओ, सवाल बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आदर्श सिंचाई के लिए क्या बात का ध्यान रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, जल्दी बताएं, 19 जल्दी बताइए सिरो, 19 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, सी आंसर दे दिया प्रियंका ने क्वेश्चन नंबर 18-19 का। और ध्यान रखें, आप अपने भाई बहनों को बता दें कि हमारे यहाँ जेट ICR BHU तीनों की क्लासेस फाउंडेशन बैच 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। और एड्रेस ध्यान रखें दोस्तों, एग्री सक्सेस पॉइंट ASP कोचिंग जो है उसका नया पता है गोपालपुरा मोड़, ASP कैंपस जो है वो गोपालपुरा मोड़ पर, गोपालपुरा पुलिया के पास टॉक रोड पर है, ध्यान रखें। और बाकी कहीं भी नहीं है, बाकी ब्रांचेज हमारी ऑफ है, सब जगह बंद कर दी गई हैं, तो कहीं भी आप भटके नहीं, सीधे आपको गोपालपुरा पुलिया पर आपको पहुंचना है, गोपालपुरा मोड़ पर टॉक रोड पर है, और नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए और उस पर आप संपर्क कर लें, फ़ोन कर लें। चलेगा सिरो, आगे चले, नैनिंग का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सिंचाई कब की जाए और सिंचाई कितनी की जाए। अगला सवाल, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है बताइए, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर पसंद आ रहा है तो भैया लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें,
और एक बार लिंक को लाइक शेयर जरूर कर दें, बाकी बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, चलेगा। सवाल आ चुका है आपके सामने, एक अशुशक्ति का मान, जल्दी से आंसर करें भाई। एक बार शक्ति का मान, सात सौ छियासी जूल, 786 किलो जूल, 786 किलो वॉट या 740 वॉट। 20 नंबर का सवाल, डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर है आपका, 740 वॉट। आगे चलेगा अगला सवाल, इम्फेटोफेजिया, इम्फेटोफेजिया का अर्थ क्या है आपको बताना है, इम्फेटोफेजिया का क्या अर्थ है, जानवर द्वारा अपशिष्ट पदार्थ खाना, जानवर द्वारा नवजात बच्चे को खाना, जानवर द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना या जानवर द्वारा मिट्टी खाना, इनमें से कौन सी चीज कहलाती है इम्फेटोफेजिया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, संदीप गुप्ता बेटा सेंटर आपके राजस्थान में संभाग जो है उन संभागों पर, संभाग लेवल पर आएगा, तो अभी अब कहीं भी आ सकता है, जयपुर आ सकता है, उदयपुर आ सकता है, कोटा आ सकता है, अजमेर आ सकता है, ठीक है। केडी मीना करें टेस्ट टाइम, नहीं बेटा जो टेस्ट टाइम है जो है, क्योंकि सुबह उसी दिन जेट का एग्जाम भी है, ध्यान रखें। आगे चलें, अगला सवाल 21 नंबर का सवाल आपके सामने है, और 21 में ऑप्शन आ रहा है बी, 21 में बी ऑप्शन आ रहा है, 21 में भाई आंसर दीजिए जल्दी से, बी ऑप्शन आ रहा है 21 में, यानी कि कुछ बच्चे सी, क्वेश्चन नंबर लिखिए आप, किरण कुमार सी आंसर दे रही है, बी और सी। तो देखिए इसमें नवजात द्वारा, जानवर द्वारा नवजात बच्चे को खाना, किसको, नवजात बच्चे को खाना क्या कहलाता है, इम्फेटोफेजिया कहलाता है, चलेगा भाई। अगला सवाल, इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है, क्या सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इंडियन गेम्स के नाम से प्रसिद्ध नस्ल, चोकला, असील, जमुनापुरी या कड़कनाथ, बताइए आंसर, बताएं जल्दी से कि इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। कंचन कुमावत करें जेट का एग्जाम दोबारा होगा क्या भैया, डिमांड तो की जा रही है, अब बाकी क्योंकि जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरवा ले गए तो मुश्किल संभावना है दोबारा होने की, ठीक है, बाकी प्रयास कर की जा रही है, चलेगा। आपको बताना इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल, जल्दी बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, और सी ऑप्शन इसमें आ गया, ऑडियंस पोल जा रहा है सी की तरफ, यानी कि असील जो है, असील को इंडियन गेम कहा जाता है। अगला सवाल, ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता होती है, ऊंट जो है दोस्तों प्रतिदिन कितना पानी पीता है, 10 से 20 लीटर, 40 से 60 लीटर, 60 से 80 लीटर या 20 से 40 लीटर, जल्दी बताएं ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की कितनी आवश्यकता होती है। कंचन कुमावत, रमेश चौधरी, 23 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है कि ऊंट को प्रतिदिन कितना पानी चाहिए। 23 का आंसर दीजिए भाई, 22 जा चुका है, चलेगा, बहुत बढ़िया। किरण, गौरव सिसोदिया, सुनीता कुमावत, गौरव सिसोदिया, बहुत बढ़िया, प्रियंका आहारी, नीलेश मेघबाल, कौशल फौजदार, संदीप कुमार सागर, बाबूलाल चौहान, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आ रहा है इसमें, रूबी चौधरी, डी और सी दोनों चल रहे हैं 23 में, 40 से 60 लीटर, 20 से 40 लीटर, बताइए। बताइए 23
डी ऑप्शन आ रहा है आपका। 23 का डी ऑप्शन आ रहा है आपके। बताइए डी ऑप्शन, यानी कि 20 से 40 लीटर। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बढ़िया डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुपर भाई। ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता कितनी होती है? 23 नंबर का सवाल है, डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, चलेगा भाई। अगला सवाल, राजस्थान में पशुगणना कौन कराता है? बहुत प्यारा सवाल है, इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है इस सवाल की, कि राजस्थान में पशुगणना कौन कराता है? पशुपालन विभाग कराता है, राजस्व मंडल कराता है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कराता है, गौपालन विभाग करवाता है? बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से आंसर करें आप, पशुगणना कौन करवाता है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। राजस्व मंडल क्या रहा है? राजस्व मंडल आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, सही आंसर 24। अगला सवाल, एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? एक कुबड़ वाले ऊंट का साइंटिफिक नेम आपको बताना है क्या होगा? बताइए भाई, एक कुबड़ वाले ऊंट का साइंटिफिक नेम आपको यहां बताना है। इक्वास, कैबलस, केमलस, बैक्टीरियल बैक्टीरिनस, इक्वास एशियनस या केमलस ड्रोमी डेरियस, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम। मुन्ना कुमावत ने बी ऑप्शन दे दिया है, बहुत बढ़िया, बी आंसर आपके आ रहा है, शानदार। रोकी सैनी झुंझुनू से 2, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट है, सही आंसर दिया ऑडियंस पोल ने। आगे चले भाई, जो विद्यार्थी जुड़े हैं, कुत्ते और घोड़े के मांस को खाना क्या कहलाता है? कुत्ते के मांस को खाना और घोड़े के मांस को खाना क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से आप बता दें, जो लोग खाते हैं उनको पता होगा, जो नहीं खाते उनको शायद समझने में परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है, सिरो कुत्ते के और घोड़े के मांस को खाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी आप लोग नहीं करें और मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाए। कंचन कुमावत, अजय वर्मा, 26 का डी आंसर आ गया है, मुन्ना कुमावत ने डी आंसर दे दिया है। किरण 26 में सी, संदीप कह रहे हैं सी, कंचन कह रही सर नहीं पता, मुन्ना ने डी आंसर दे रहा है, कौशल फौजदार नहीं पता, बहुत बढ़िया, रमेश चौधरी डी आंसर दे रहे हैं, रॉकी सैनी को भी नहीं पता है, बहुत बढ़िया। यानी मोस्टली बच्चों को नहीं पता, तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो कुत्ता होता है उसके मांस को खाना तो कहलाता है काइनोफागिया, और कुत्ता जो घोड़ा होता है घोड़े के मांस को खाना क्या कहलाता है? हिप्पोफागिया, चलेगा। अगला सवाल, बदियाकरण किए हुए घोड़े को क्या कहा जाता है? घोड़ा जो होता है बदियाकरण जिस घोड़े का, बिल्कुल के पहली बार सुना है बेटा, बहुत अच्छी बात है, चलेगा। अब बेटा कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं, ठीक है ना, उनका हिंदी नहीं होता, अब जो खाता है वो तो बता ही देगा, खैर चलेगा। बदियाकरण किए हुए घोड़े को क्या कहा जाता है? बेडर, स्टीर, गैंड या हॉग, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का सवाल, 27 में बी आया, उमा व्यास बी आंसर दे रही है। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, आप उसको देख लें। 1 तारीख को आपका कृषि प्रवेक्षक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही उसमें व्यवस्थाएँ की गई हैं। लक्ष्मी कुमारी मीणा, बहुत बढ़िया, 27 में आंसर बी आ रहा है, और सीबीआर रमेश चौधरी बी आंसर दे रहे हैं, ज्योति जौनवाल डी आंसर दे रही है, 27 में उमा व्यास बी आंसर दे रही है, रमेश
बी का मतलब गैल्ड हो गया भाई, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई अमृता चौधरी, लेट कैसे हो गई यार। ज्योति जोनवाल बी आंसर दे रही है, बहुत बढ़िया। सोनू कुमार 27 का बी, 27 बोल को, इसको गैल्ड कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? वध्याकरण किया हुआ घोड़ा क्या कहलाता है? गैल्ड। बी ऑप्शन सही है इसमें। आगे चले, लखीमी। लखीमी किसकी किस्म है? लखीमी गाय की है, बकरी की है, भैंस की है या भेड़ की है? ये किस्म पहली बार सुनी होगी, लेकिन आंसर आपको देना है, जल्दी बताएं। सवाल आ चुका है नंबर 28 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कर दें आप कि बदिया की लखीमी किसकी नस्ल है? गाय की है। रमेश यादव गुड इवनिंग भाई, सीपी प्रजापत बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके, लखीमी किसकी नस्ल है भाई? गाय की, भैंस की, बकरी की या भेड़ की? गुड इवनिंग भाई प्रमोद, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें आप। कंचन बिल्कुल, पद जुड़ गए, 150 पद और बढ़ गए, मतलब इस बार जितनी चांदी सुपरवाइजर के बच्चों की हुई है उतनी चांदी किसी भी वैकेंसी में नहीं हुई। चलेगा भाई, लखीमी किसकी नस्ल है? 28 नंबर का सवाल, लखीमी भैया गाय की नस्ल है, ध्यान रखें, सुनी नहीं होगी अभी तक, लेकिन अब पता कर लें, लखीमी गाय की नस्ल है। अगला सवाल, रम्बोइलेट नर एवं चोकला मादा का संकरण है कौन सा? रम्बोइलेट नर और चोकला मादा दोनों का संकरण, चलेगा बताइए जल्दी से। अभिकालीन, अभिमास, अभिवस्त्र या हिसारडेल? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको बताना है, जल्दी बताएं। 29 उमा कह रहे हैं 2389, बिल्कुल 2400 में 11 कम है। अजय वर्मा 29 नंबर का सवाल, आंसर दीजिए 29 में बी आंसर आ गया है, बी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, सुपर, यानी कि अभिवस्त्र, रम्बोइलेट नर और चोकला मादा, बहुत बढ़िया, शानदार, यही स्पीड बना के रखनी है आपको। आंसर बिल्कुल अभिवस्त्र, बी आंसर इसका करेक्ट है। आगे चलिए, गैरोल नस्ल पाई जाती है, गैरोल ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या सिक्किम में? बता दो, जल्दी से बताएं गैरोल नस्ल कहाँ पाई जाती है। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे सिरों, क्योंकि रोज शाम को 5 बजे यहाँ पर एग्री महासंग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें एग्जाम रिव्यू बिल्कुल आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलेगा, गैरोल नस्ल पाई जाती है कहाँ? पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? जल्दी बता दीजिए आप। सुपर भाई, सोनू कुमार 30 का बी आंसर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं भाई पश्चिम बंगाल की नस्ल है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल इसको क्या कहा जाता है? मंड्या कहा जाता है। तो एक सवाल तो ये हो गया कि भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मंड्या। और कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बताओ मेरे सिरों, जल्दी से आप बता दें। बहुत बढ़िया, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल मंड्या कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? कंचन कह रही है सरकार को रह रहे के कैसे याद आ रहा पदों को बढ़ाने का, क्योंकि सरकार को रह रहे के याद दिलाना पड़ता है कंचन, तब जाके सरकार पद बढ़ाती है। चलेगा प्रमोद, सी आंसर बता रहे हैं, 31 में सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सी का मतलब कर्नाटक। भेड़ की सबसे छोटी नस्ल मंड्या कहाँ की नस्ल है भैया? कर्नाटक की है। अगला सवाल, सूरती नस्ल है, सूरती नस्ल है किसकी? भेड़ की, गाय की, बकरी की या भैंस की? बताइए, सूरती नस्ल है, सूरती नस्ल है। 32 नंबर का सवाल आ चुका है आपके सामने, 32 रख हौसला वो मंजर भी आएगा, सीपी प्रजापत कह रहे हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट आंसर। 32 में भैया सूरती जो है ये भैंस की नस्ल है, शानदार। आगे चलो, ऊंट की कौन सी नस्लें बोझा ढोने के काम में ली जाती है? ऊंट की कौन सी नस्लें बोझा ढोने के काम में
ली जाती हैं। पहाड़ी नस्लें ये भी दोनों नदीय नस्लें या मरुस्थलीय नस्लें, बताइए सिरो, बताइए जल्दी से बताएं। लिंक को लाइक शेयर जरूर कर दें आप, और आपको बताना है कि ऊंट की कौन सी नस्लें बोझा ढोने के काम में ली जाती हैं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है, 33 नंबर का सवाल, 33 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 33 कौन सी नस्लें हैं? बिल्कुल सवाल है, ऊंट की कौन सी नस्लें बोझा ढोने के काम में ली जाती हैं? सूरती नस्ल चलेगा भाई, ऑप्शंस के हिसाब से आप देखिए। 30 जल्दी से बताइए, ऊंट की कौन सी नस्ल बोझा ढोने के काम में ली जाती है? 33 और 33 में आंसर आ रहा है भैया दोनों ही नस्लें पहाड़ी और मरुस्थलीय नदियाँ जो हैं, ये दोनों सी आंसर इसमें आएगा, चलेगा भाई। अगला सवाल, ऊंट की सवारी नस्लें हैं, ऊंट की सवारी नस्लें हैं, ऊंट की सवारी नस्लें हैं कौन सी बताइए? 34 बहुत बढ़िया, 34 में आंसर थे भाई, 34 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर का सवाल बताइए, ऊंट की सवारी नस्ल है, तो आप कंफ्यूज थे ना, तो आप कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। बिल्कुल इसमें मरुस्थलीय नस्ल है, इसका राइट आंसर है, सवारी नस्ल कौन सी है भैया? मरुस्थलीय। अगला सवाल है, स्विमिंग कैमल क्या है? स्विमिंग कैमल के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? कच्ची, काठियावाड़ी, मेवाड़ी या खराई? बहुत बढ़िया, शानदार, बताइए। लिंक को लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, बिल्कुल कंजूसी आप ना करें। स्विमिंग कैमल के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? 35 नंबर का सवाल बताइए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें आप। 35 में मुन्ना ने डी आंसर दे दिया, मुन्ना ने 35 का डी आंसर दे दिया, सोनू कुमार डी आंसर दे रहे हैं, प्रमोद कुमार बहुत बढ़िया, आगे चलिए। रचना, काजल, सोमेंद्र यादव, बनवारी पालीवाल, बहुत बढ़िया, इसमें आंसर आ रहा भैया आपका खराई, डी आंसर इसमें सही है। अगला सवाल देखें आप, भेड़ के शरीर से ऊन उतारना क्या कहलाता है? भेड़ का जो शरीर होता है उसके उसके शरीर से किसको उतारना, ऊन को उतारना क्या कहलाता है? क्लिपिंग कहलाता है, कलिंग कहलाता है, शीरिंग कहलाता है या सेलेक्शन कहलाता है, बताइए। 36 भाई, 36 नंबर का सवाल आ चुका है आपके सामने, आंसर दें जल्दी से। 36 में भेड़ के शरीर से ऊन उतारना क्या कहलाता है? 36 में बी आंसर आ रहा है, 36 में बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, और बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर दे रहे हैं, बी यानी कि शीरिंग। अगला सवाल, भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना ताकि संभोग करने में आसानी रहे क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया सवाल है, यानी कि भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना, ठीक है ना, ताकि काय के लिए उतारते हैं उसको, ताकि संभोग करने में आसानी हो सके, उसको क्या कहा जाता है? टैगिंग, आइंग, रिंगिंग या फ्लशिंग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, 37 नंबर का सवाल आ चुका है आपके सामने कि भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना क्यों उतारते हैं उसको, ताकि संभोग करने में आसानी रहे, तो उसको क्या कहा जाता है? 37 में आंसर आ गया है ए, प्रिया कुमारी ने ए आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। मंजू कुड़ी बी आंसर दे रही हैं, बिल्लू बहुत बढ़िया, सोमेंद्र। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं भैया, वो लिंक को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और ताकि बाकी बच्चे भी इस
महासंग्राम का आनंद ले सकें, इस दंगल में शामिल हो सकें। चलेगा भाई, बहुत बढ़िया। अमृता 37 में आंसर आ गया ए, यानी कि उसको अपन टैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगिंग। ये आंसर करेक्ट है इसका। अगला सवाल, चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना क्या कहलाता है? कलिंग, हैचिंग, ब्रूडिंग या फियथरिंग? बताइए, जल्दी से आंसर बता दे भाई। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है, 38 नंबर का सवाल आपके सामने है, आपको 38 नंबर के सवाल का आंसर बताना है, जल्दी से बता दें। और सवाल क्या है? चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना क्या कहलाता है? बताइए 38 में भैया बी ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया, संजय मीणा हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। बिल्कुल बी ऑप्शन आ रहा है भाई, सोनू कुमार, बी ऑप्शन, यानी कि उसको ब्रूडिंग कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, गंबोरो बीमारी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? 1 सप्ताह 2 सप्ताह 5 सप्ताह या 4 सप्ताह? क्या है सवाल? गंबोरो बीमारी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? चलेगा, जल्दी से बता दें। गंबोरो बीमारी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? चलेगा भाई, 39 में ये आंसर आ गया है। 39 में ये आंसर दे रहे हैं प्रिया कुमारी, ये बता रही है सोमदेव, ये आंसर बता रहे, उमा व्यास भी एक वीक बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर के बिना पता नहीं चलेगा आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। 39 में सोनू कुमार सी आंसर बता रहे हैं। 39 बनवीक, बिल्लू, अमृता, काजल, विशाल सी आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको आप बिल्कुल ठीक कर लें, गंबोरो बीमारी का टीका जो है वो 2 सप्ताह के अंदर लगाया जाता है। किसके अंदर? 2 सप्ताह के अंदर लगाया जाता। अगला सवाल, विच किस जानवर में काम में लेते हैं? किस जानवर में काम में लेते हैं? गाय, भेड़, कुत्ता या भैंस? जल्दी से बता दें। 40 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बता दें भाई, क्वेश्चन नंबर 40। किसमें है भैया? 40 में आंसर क्या रहा है? मंजू सी आंसर दे रही है, मंजू सी, बी, सी बी की लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें सिरो आपका आएगा घोड़ा, ठीक है। 40 में आपका सी आंसर करेक्ट है। आगे चलें, भारत में सब्जी उत्पादकता में प्रथम स्थान, भारत में सब्जी उत्पादकता में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? ध्यान रखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उत्पादकता और उत्पादन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। उत्पादन होता है तुम्हारा प्रोडक्शन, और ये होती है प्रोडक्टिविटी। तो इसका मतलब ये हो गया सिरो कि प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा। हो सकता है किसी स्टेट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जब प्रति हेक्टेयर में जितना उत्पादन हो रहा है वो, तो वो आपको बताना है। जल्दी से आप बता दें सिरो क्या आंसर आ रहा है। मनीष कुमार सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, सी आंसर आप लोग दे रहे हैं। 41 नंबर का सवाल आपके सामने आ गया है, जल्दी बताएं। बिल्कुल 41 में भैया पश्चिम बंगाल, प्रोडक्टिविटी में पश्चिम बंगाल का
प्रथम स्थान है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। चलेगा भाई, टमाटर में एनपीके की मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है, टमाटर में जल्दी से आंसर करें भाई, टमाटर में एनपीके की मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये देख लें आपके सामने ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, जल्दी से आप ऑप्शन पढ़ें और आंसर दें, बहुत धमाकेदार तरीके से आंसर आपको देने हैं। किरण कुमावत, 42 नंबर का सवाल आपके सामने है, 42 नंबर का सवाल का आंसर आपको देना है, आपको बताना है एनपीके की कितना प्रतिशत किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहता है। चलेगा भाई कि मात्रा बतानी है आपको, बहुत बढ़िया। हरदयाल वर्मा बी आंसर, संजय बिल्लू, सोनू कुमार, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो बेटा कंजूसी नहीं करें बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सटीक लाइक करें और शेयर करें। 42 नंबर का सवाल आपके सामने है और 42 में आंसर आप लोग दे रहे हैं ए और सी। ध्यान रखें एनपीके की मात्रा पूछ रहा है, किसकी, एनपीके की, किसके अंदर पूछ रहा है, टमाटर के अंदर, तो 42 में बेटा आंसर आएगा इसका बी, एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा, जिसमें एन की मात्रा है 120, पी की मात्रा है 80 और के की मात्रा है 60 किलो। अगला सवाल आपके सामने, फूल गोभी की बीज दर होती है, फूल गोभी की बीज दर कितनी होती है बताइए, 100 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जल्दी से आप बता दें बिल्कुल। फोर्टी थ्री नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, फूलगोभी की बीज दर आपको बतानी है 43, और 43 में आंसर आ गया है बी। अमर कोई बात नहीं, कंचन गलत हो गया, उसको ठीक कर लो, बी ऑप्शन इसमें आ रहा है, ऑडियंस पोल बी की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया प्रिया कुमारी, और बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है भाई। चलेगा अगला सवाल, तरबूज की किस्म नहीं है, दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा मधु, दुर्गापुरा मीठा या दुर्गापुरा लाल, क्या बात है, अब आपको पूछना है दुर्गापुरा की किस्म पूछ रहा है, कौन सी किस्म नहीं, यानी तीन किस्म इसकी है तरबूज की और एक नहीं है, तो नहीं है वो ही पूछ रहा है आपसे, तो आप सोच समझ के इसका आंसर दें। तरबूज की किस्म नहीं है, जल्दी बताएं भाई, 44 का आंसर बताना है, 44 नंबर का सवाल आ चुका है सी, सी ऑप्शन में आ रहा है, मतलब दुर्गापुरा मधु बता रहे मस्तीराम मीणा, हरदयाल वर्मा, अजय वर्मा, बहुत बढ़िया। चलेगा सुपर भाई, बताइए तरबूज की किस्म कौन सी नहीं है, फोर्टी फोर में भैया सी, दुर्गापुरा मधु जो है ये इसकी किस्म नहीं है, सी आंसर इसका करेक्ट है। और अगला सवाल, तरबूज की खरबूज पहले तरबूज की थी, अब पूछ रहा है वो खरबूज की किस्म, तो ऑप्शन वही चारों हैं, आपको बताना है कि खरबूज की कौन सी किस्म है, 45 नंबर का सवाल आपके सामने है। चलेगा बहुत बढ़िया चलेगा भाई, तो दोस्तों इसमें खरबूज की जो किस्म है वो है आपकी दुर्गापुरा मधु, चलेगा सी आंसर इसमें करेक्ट है। तो दोस्तों ये आज का एग्जाम रिव्यू नंबर 7 का पार्ट 1, और पार्ट 2 अपन करेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तो मेरे साथ आप जुड़िएगा लाइव में, और इसी तरीके से प्यार दुलार आपका ये पेपर बना रहे, और ध्यान रखें जो 1 तारीख को आपके लिए मूल्यांकन परीक्षा रखी गई है उसमें आप ज़रूर पधारें ऑफलाइन में, और इसके साथ ही जो है आपकी
जो कल जैसा मैंने आपको बताया आपके पद बढ़ा दिए गए, तो इस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय एसपी राजस्थान।